राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी, और जो भी मेरे चैनल पर नए भाण भाई आवे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक पंडित था, और पंडित था बहुत विद्वान। मतलब उसने जो अपने पत्रे में देख के भविष्यवाणी जो कर दी वो होवेगा, मतलब वो कति भीतर तक की जाना था, और जिसका भी जो भविष्य बता दिया वो पार उतरेगा। तो उस धोरे जो है बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत भीड़, नंबर लगाना पड़े कर था, कई कई दिन में नंबर आए कर था, धक्का मुक्की हो जाए कर थी, क्योंकि जो भाई सब ने विश्वास था भाई इस पंडित ने जो भविष्यवाणी जो भविष्य बता दिया भाई वो पार उतरेगा, जो कह दी सो कह दी। और तो वो जो है एक दिन एक आदमी आया उस दौरे बुझन, तो कह दे पंडित जी जो आपने कही थी वो बिल्कुल वो ही हुआ है मेरे साथ, और ये एक बार आगे का और बता दो मेरे भविष्य का। तो वो पंडित जो है उसका बता दे है भविष्य आगे का, तो वो खुश होकर और चला जाए। तो जब ही जो है वो आदमी जावे तो उस पंडित का जो है एक छोटा सा बेटा रहे 5-7 साल का, तो वो आवे और वो पूछे है अब पिताजी पिताजी मेरा भी भविष्य बता दो, मेरे भविष्य में क्या लिख रहा है। मतलब इतने से बच्चे ने भविष्य का तो के बेरा, पर जब एक काम आदमी रोज देखे है बुझ भाई अपने आख्या, तो छोटे बच्चे आजकल के तो इतने बच्चे तेज है, वो तो मिनटा बातें ने कैच करे है, तो भाई वो रोज देखा था भाई पापा धोरे तो भीड़ रहे रोज सभी बस ये पूछे भविष्य बताओ भविष्य बताओ। तो उसने भी सीख लिए ये शब्द इतने, पापा जी मेरा भी भविष्य बताओ। तो वो कह दे ठीक है बेटा अभी बताओ। तो वो उसने भेज दे वैसे अगचन बच्चा है क्यों खाम में खाओ इतना वो करे, तो वो तो चला जाए कह के भेज दे अपने बच्चे ने। लेकिन उस पंडित के मन में ये आवे अगचल ठीक है मैं देखूँ तो सही मेरे बच्चे के भविष्य में के लिख रहा है के ना लिख रहा है। तो वो जो है सोचने पर मजबूर कर दे उसका बेटा, देख भाई मैं देख लूँ अपने बेटे का भविष्य। तो वो जो जब देखे अपने बेटे का भविष्य तो उसके बेटे के भविष्य में आवे है भाई वो जवान होकर जो है भाई जो कारोबार करेगा वो तो ठीक है, लेकिन इसकी शादी किसी भिखारी की बेटी तो होगी, इसकी शादी किसी की भिखारी के बेटे तो होगी। तो इतना वो हिसाब किताब लगाती और पंडित के तो होश उड़ जाए, अगर नहीं नहीं मेरे बेटे की तो शादी भिखारी के बेटी तो नहीं होगी, कहाँ मैं इतना सब ज्ञान का वो कति भाई सब चीज़ का मैंने ज्ञान, इतना मेरा नाम, इतना मेरा रुतबा, सब चीज़ की मेरा मौज, और मेरे बेटे की शादी भिखारी की बेटी तो कैसे हो जाएगी। नहीं मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा अपनी बेटे की शादी भिखारी की बेटी तो, और मैं इसका भविष्य बदल के रहूँगा। तो वो बहुत उपाय उपाय करा है, बहुत उपाय करा है, पता ना वो किक के, वो तो वो जाने वो किक के करा था, लेकिन उसने जो है बहुत उपाय करे मेरे बेटे की शादी जो है भाई किसी भिखारी की बेटी तो ना हो। लेकिन वो ही बात है ना, अब भाई होनी ने तो कौन टाल सके, बे माता ने जो लिख दिए उसने तो कोई टाला नहीं आनी, जो लिख दिए वो होगा चाहे कितनी कोशिश कर लो आदमी। और तो उसने कोशिश तो बतेरी करी, लेकिन वो जो है भाई अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। समय बीतता रहा भाई उसका बेटा जवान हो गया, पढ़ लिख लिया, कारोबार करने लग गया, आई शादी की बारी। तो जो है उनके पड़ भाई थोड़ी सी दूर जो है शहर में एक भिखारी था, और उस भिखारी के थे 5-6 बच्चे, उसके 5-6 बच्चे भीख मांगे। तो जो सबसे छोटी बेटी हुई तो वो उस दौर गया, उसने देख लिया अपने उसमें भविष्य में कहाँ भाई किस भिखारी तो हो भिखारी की बेटी तो होगी किसी किसकी थे ना, तो उसी के पास जावे तो वो भिखारी तो भीख आवे भाजा भाजा साहब भीख दे दो मांगना आवे उससे। तो उसने तो वो पिछाड़ लिया कहा यो भिखारी तो कैसा आवाज, मेरे एक बेटी और हुई है और मैं बहुत दुखी हूँ, और घर में खाने का दाना नहीं, और मेरे 5 बच्चे हैं ये है वो, अपना दुखड़ा रो है उसका आगे। तो वो नु बोलिया अक्चल ठीक है तेरे कई बच्चे हैं और कई लड़की है तेरे, तो तू ऐसा कर उस भिखारी तो बोलिया पंडित जी अक ये जो छोटी बेटी जो पैदा हुई है तो इसे ना मेरे ते दे दे, क्योंकि पंडित ने तो देख लिया था अक हाँ इसी तो ही होगी कि शादी। तो वो नु बोलिया चलो ठीक है जी आप ले जाओ जी।
तो उसते जो है वो भिखारी पंडित तगो दे दे मतलब वो तो देवे गोद समझ गया, अक ले जाओ जी आप ले जाओ। लेकिन उस पंडित ने तो कहानी का बेरा था ना, अक शादी तो इससे ही होगी। तो वो पंडित उसने घर ना ले जाके और समुद्र में फेंक गया वह, उस लड़की ने छोटी सी ने जो पैदा हुई थी उसने समुद्र में फेंक गया वह। और तो जो वो तो अपनी जान में भाई मर जाएगी भैया, एक दो दिन की बच्ची है, खा जाएंगे मछली उछली मगरमच्छ वगैरह खा जाएंगे इसे ना। और तो वो जो है उसने फेंक फेंक कर घर आ जाए है। तो वहीं जैसे समुद्र के किनारे 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 चलते चलते एक आदमी देख ले उसने, और वो जो है उसने बचा ले और अपने घर ले जाए, क्योंकि उसके जिसने वो बचाई बेटी उसका कोई औलाद नहीं थी, और वो उसने जो है अपनी अपनी बेटी करके पाला, बहुत अच्छी तरह प्यार है पूरे पाला है, पूरे लाड लाड प्यार तक पाला है उसने भाई, खूब बढ़िया उसकी परवरिश करा है, और तो पढ़ाए भी है उसने वो। और तो वो जो है ये पंडित के लेखत हुआ मर गई। लेकिन एक दिन जो है पंडित का बेटा जो है भाई कहीं घूम समुन्द्र किनारे उसका घर था जिसने वो बचाई थी, तो एक दिन उसका बेटा जो है घूमने जा रहा था वहीं समुन्द्र के किनारे, और तो उसने लगी आवे प्यास, और वो जावे पानी की तलाश में उसी के घर जिसने भाई वो बेटी बचाई थी। तो घर जावे दरवाजा खुड़कावे और भाई कहवे है कोई है कोई है, तो वह लड़की निकट का आवे। और तो वो लड़का देखे भाई लड़की तो बड़ी सुंदर है बड़ी खूबसूरत है, मतलब मन मन में वो सोचा कि इससे मेरी शादी हो जाए तो भाई मैं तो बड़ा खुश नसीब होऊंगा जो मेरी शादी इससे हो जावे। और तो ऐसे धीरे धीरे करके उनकी मुलाकात होती रहे, उनकी मुलाकात प्यार में बदल जावे, और वो एक दिन जो है वो शादी कर ले दोनों तो जने। वो थी भिखारी की बेटी लेकिन मछुआरे ने बचाई थी। और तो शादी करके वो घर जावे, तो घर जावे तो पंडित देखे भाई यो के ये तो बेटा शादी कर लिया है। तो वो और तो कुछ पूछे नहीं उस बेटी से, वो सिर्फ ये पूछे कि बेटी भाई आपके पिताजी का नाम क्या है और कौन है भाई तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। तो बोली पिताजी मैं तो जो है मछुआरे की बेटी हूँ, मैं हूँ मछुआरे की बेटी, मैं पाली पोसी मछुआरी मछुआरे मछुआरे ने हूँ, पढ़ाई लिखाई उसे ना हूँ, लेकिन मेरा जो पिताजी है मछुआरा वो ये कह रहा है कि 20 साल पहले जो है भाई मन्ने तू जो है समुन्द्र में मिली थी समुन्द्र के किनारे। तो इतना सुनते पंडित के तो होश उड़ जाए, अकी तो वो ही अब समझ गया वो तो, क्योंकि उसने तो वो तो भविष्य का ज्ञाता था भाई, उसने पता था भविष्य में क्यों हो रहा है क्या ना, उसने तो उसके पास तो देखने की भी वो थी सारा हिसाब किताब लगा लिया उसने। तो वो बोला कि नहीं बेटी, वो कहते अपने बेटे तक ना मन यो नहीं रखनी, मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और तो वो जो उसने काट दे वहां तक अपने घर तक काट दे है। और तो वो उसने ले पंडित जो उसने लड़की ने समुन्द्र किनारे ले जा है और उससे वहां सारी बात करे। और एक गुट्ठी थी हीरे की और उस वो गुट्ठी काट के वो पंडित अपनी उंगली माते और उसने समुन्द्र में फेंक दे है। और नू कह दे वैसे तो मैं तने स्वीकार नहीं करूंगा अपने बेटे की बहू के रूप में, लेकिन समुद्र में अंगूठी फेंक कर नू कह जिस दिन तेरे पास ये अंगूठी मिल आ जाएगी ना अमृत दिखा देगी उस दिन मैं तने बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा। उसने समुद्र में फेंक दी। अब ये बताओ भाई समुद्र की मत जो है कौन निकाले हीरे की अंगूठी फेंक दी। अब वो ये वो रोवे अब कौन ढूंढा, कोई भी ना ढूंढ सकता समुद्र में तेता। लेकिन देखो भगवान की करनी ऐसी हुई, उस अंगूठी ने जो है एक मछली निगल जावे, वो मछली के पेट में चली जावे। और उसने भाई वो वहाँ छोड़ कर चले जा, काम रखेंगे नहीं तेने। तो वो बेचारी भटकती रहे घनी कई दिन तक तो नहीं। तो वो एक आदमी मिला है उसने और वो कह दे वो अंकल जी मने सारा काम आवे घर का और मने जो काम वे रख लो मैं काम कर दूंगी आपके घर का। तो कह कह है अब ठीक है बेटा तू मेरे घर आ जा और वहाँ काम कर लिए। तो वो जावे तो वो खाना बनावे और उसी उसी आदमी के घर में उस दिन उस पंडित ने उसके बेटे ना आना था उसकी लड़की देखन, उस आदमी की लड़की देखन। और पंडित अपने बेटे तक कह दे भाई वह तो जो है पाड़पा तो कूद के मर गई, तो बेटे के लेखे तो वो मर गई। वो जो आवे उसके लड़की देखन उस आदमी की और खाना बनावे वाह उसके बेटे की बहू। और तो जैसे वो मछली काटे है बनावे है वो मछली लेकर आवे उनके लिए जिसकी लड़की ने देखना आवे है। तो वो जैसे वो उस मछली ने काटा है तो मछली के पेट में निकले वो अंगूठी। और तो वो तो बहुत खुश हो उस अंगूठी ने देख कर, अब चलो भाई अंगूठी भी मिल गई तो वो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहे। और जैसे ही वो रसोई की खिड़की माता झाँक कर देखे तो पंडित बैठा और उसका बेटा बैठा, तो वो तो और भी सोने पे सुहागा हो गया, वो तो और भी खुश होगी बहुत ज्यादा। और तो वो जावे वो जब वे खाना खावे पंडित और उसका बेटा, और तो वे ये कहे जी खाना तो बहुत बढ़िया बन रहा है आपका, मतलब किसने बनाया खाना
एक बार जिसने भी खाना बनाया भाई उसके एक बार दर्शन जरूर करवा दो। तो वो बाद में कह रहा है कि भाई एक नई आई है उसने खाना बनाया, तो उन्होंने बोला जी बुला दो एक बार हम देखेंगे मुझसे बात करना चाहें। तो वे उसने बुलावे तो वो देखती उसने वो लड़का तो ये कह रहा है एकदम अचंभे माँ जा रही है पिताजी आप तो ये कह रहे थे कि वो तो मर गई पहाड़े पे कूद के। पंडित तो थोड़ा शर्म सीमान जो है भाई मैंने झूठ बोली बेटे का कि झूठा बन गया मैं। और तो उन लड़की के हाथ में अंगूठी और भाई वो लड़के ने मिल गई वाली लड़की बहू उसकी। और तो वो जो है भाई पंडित तो जो है माथा पीटे हैं अब यो के होया मैं तो अपने बेटे का भविष्य बदलना चल रहा था और मेरे बेटे का भविष्य तो मेरे आगे खड़ा है। और लड़की दिखा दे उस अंगूठी अगर ये देखो पिताजी। अब उनके बीच की बात पंडित तो और भी शर्मिंदा हो जाए अब भाई समुन्द्र में अंगूठी फेंक की थी और भाई यूँ कैसे आ गई इसके पास। लेकिन देखो भगवान की करनी होगा जब भगवान ने जब हमारे जीवन में जो भी लिख दिया ना जो भी लिख दिया दुख है सुख है जो भी है खुशी गमी गाड़ी घोड़े घर दुकान प्लाट मकान बंगले सब कुछ जो भगवान ने हमारे जीवन में लिख दिया जितना लिख दिया वो मिलेगा और अगर नसीब में नहीं है तो उसने वो मिलेगा भी नहीं। जिसके में है उसने मिलेगा जिसके में नहीं है उसने नहीं मिलेगा। तो देखो कहाँ पंडित अब दुनिया की भविष्यवाणी करे था दुनिया के भविष्य देखे था अब भाई इसका नु होगा इसका नु होगा। लेकिन उसने भी अपने बेटे का भविष्य देखा तो ठीक लेकिन वो भविष्य बदल चलिया था अपने बेटे का लेकिन नहीं बदल पाया ना। कितने उपाय करे जतन करे टोटके करे फलाने करे ढिकड़े करे लेकिन कितना ही कुछ कर लिया लेकिन वो अपने बेटे का भविष्य नहीं बदल पाया। भविष्य बदलना सिर्फ भगवान के हाथ में है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य बदल सकता है हम अच्छे कर्म करेंगे तो। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में जो हमारी सुख सुविधा जो भी लिख रहा है वो भी कम हो जाएगा अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो। और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगर हमारे जीवन में कुछ नहीं भी है तो हमने अच्छे कर्म का हिसाब तय हमने कुछ जो नहीं है वो भी मिलेगा। तो जीवन में सफल होने के लिए जो अच्छे कर्म करते रहिए और अपने आगे का जीवन सुधारते रहिए और भविष्य बदलना सिर्फ भगवान के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। बंदा बदल सकता अपनी तकदीर अगर अच्छे कर्म करे तो। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जो भी मेरे चैनल पर आवे प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करो और अगर आपने पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके अन मत करियो और किसी का भी मत करियो जिसका भी कर दो तो कर दो भाई आगे बढ़ना है सबने दो दिन आगे पीछे सबने सभी सफल हो जाओगे। जो आज सफल है क्या वो उनने जीरो तक शुरुआत नहीं करी थी वो भी तो कभी जीरो थे एक थे दो थे ऐसे कर करके 100 1000 200 400 अपने बढ़ते गए। लेकिन उनने मेहनत करी है भाई सफल हो गए। हमने भी टाइम लगेगा हो जाएंगे हम भी आज ना तो कल होवेंगे जब इस काम में लगी गए तो भाई सफल तो होना है ही। वो कह करें ना जब उखड़ में सिर दे लिया तो मुसड़े थे के डरना जब इस लाइन में आए गए तो भाई आज ना कल तो सफलता मिलेगी जरूर सबके कदम चूमेगी सफलता जो भी इस लाइन में है समय लगेगा। वो कह करें ना भगवान के घर देर है देर नहीं। तो आपने मेरी कहानी पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।